जिमनी ना लेके आपने अच्छा किया, तो क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ? और ये थोड़ा सा अजीब भी है ये वाला, मुझे हार में यही सबसे बुरा लगता है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ NBT ऑटो पर, और स्वागत करता हूँ यहाँ पर निशा शाहीन जी का, जो कि थार की ऑनर है। लड़कियाँ आजकल बहुत पसंद कर रही हैं थार, कोई खास वजह? बस ऐसे रोड प्रेजेंस अच्छा है, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज करता है लोगों का। लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, इसलिए आपने थार पे। ये कौन सा वेरिएंट है और कितने की पड़ी थी आपको ये? सर 19 लाख, मतलब 19.5। 19.5 के आसपास पड़ी आपको? और ये ऑटोमेटिक वाली, ऑटोमेटिक में आपने ली। तो आपने रियर व्हील ड्राइव क्यों नहीं लिया, जो 4x4 वाला सिस्टम नहीं था जिसमें नॉर्मल वाला आ गया है ना आजकल तो? एक नहीं, वो नहीं लेना था। वो लेना नहीं था, वो लेते तो वैगनार ही चला लेते। अच्छा, और कुछ देख रहे थे इस ऑप्शन में या फिर यही आपको खरीदना था? देख रहे थे ऑप्शन में, इवन जिमनी बुक भी की हुई थी, बट जब उसका रेट आया तो थोड़ा ओवर प्राइस लगा। Honestly, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लगा। इसमें सबसे खास चीज़ आपको क्या लगी इस पूरी गाड़ी में? इसमें इसका एक तो ऑफ रोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और एक तो बल्कीनेस, थोड़ा सा मॉन्स्टर लगता है इसका लुक देखने में, जो जिमनी में नहीं लगता मुझे। अच्छा अच्छा, जो मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। इसमें आप देख रहा हूँ कि साइड्स, जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ आपने सब चेंज करवाया है, जो इसका स्टॉक टायर आता था उसकी जगह ये आपने बड़े बड़े टायर डलवाए हैं, मतलब ये क्या कितना बहुत सारा काम करवाया आपने, क्या कितने का काम करवाया इस पे? लगभग 3 लाख का। 3 लाख का काम करवाया अभी तक, और अभी और इसमें काफी सारी चीजें बकेट लिस्ट में है। क्या क्या है करानी, क्या क्या करवाओगे आप इस पे? एक तो लाइट्स और लगानी है यहाँ पर स्टार्टिंग में। अच्छा, कैरियर लगाना है, और भी कुछ कुछ एडवेंचर टेंट लगाना है। वो तो लगाना है, वो लगाना है। हाँ जी। इसके पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इसके पास थार CRV थी इससे पहले। इसके पहले भी, अभी भी है शायद आपके पास? अभी भी है। तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? आपको ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगती थी? प्रैक्टिकल तो वो भी है, इवन वो भी, अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ज्यादा अच्छी है इसकी स्ट्रेंथ, उसका फाइबर, ये सारी चीजें, ये बहुत अच्छा है उसका। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि ऑटोमेटिक है, इजी ड्राइव है। अच्छा, थार को लोग बोलते हैं कि सेकंड कार या थर्ड कार के तौर पर लेते हैं, तो आपकी ये सेकंड थर्ड कार है या पहली कार यही है? पहली, मतलब और कोई गाड़ी नहीं, इसी से आपका काम होता है पूरा? तो कैसे मैनेज करते हो, जैसे दोस्तों वगैरह को बिठाना हो तो आराम से बैठते हैं, मतलब एक दरवाजे से जा रहे हैं, उनको निकलना हो तो वो प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन मैं 5 डोर का भी वेट कर रही थी, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है उसमें, 5 डोर में टाइम लग रहा है, इसलिए आपने इसको चूज किया। जब तक ठीक है, अभी पुरानी से हो गए। ये पीछे रियर पे आते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रियर में भी, मतलब ये जो टायर आपका लग रहा है तो पूरी गाड़ी का अलग ही लुक दे रहा है, बट जब ये सीट खोलेंगे ना, ये यहाँ पर आपका ये एक्सेस करते हैं, ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है। क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका जो पहले वाला थार है मैं देखा, उसमें किचन वगैरह आपने सेट करके रखा हुआ है एडवेंचर वाला, बट इसमें ज्यादा था इसमें, बट इसमें आपको तो कैसे मैनेज करोगे वो? एक्चुअली करेंगे, सीट हटानी पड़ेगी इसके लिए। सीट हटानी पड़ेगी, तो सिर्फ 2 लोगों के लिए गाड़ी बन के रह जाएगी। बट इसमें आपने इंटीरियर में भी काफी कुछ करवाया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं इंटीरियर दिखाते हैं जो शायद। हाँ, अच्छा ये इन्होंने देख लीजिए, इन्होंने लगाया, खुलिए जरा इसे, कैसे खुलेगा ये? अच्छा, तो अगर मतलब आज ये कुछ बना के लाई होती निशा में मेरे लिए चाय कॉफी, तो मैं यहाँ पर पी रहा होता खड़े होकर इनके साथ में, मतलब वही उसी लिए पर्पज के लिए ना, एक किचन जैसा काम कर देगा इसमें, एक गैस रख सकते हैं। तो मतलब थार को लोग खरीदते हैं इसलिए कि एडवेंचर करके आए, एडवेंचर करने के शौकीन जो लोग हैं अपने लिए इसमें तरह तरह की चीजें, मतलब ये मॉडिफिकेशन, छोटे छोटे एसेसरीज ऐड कर रहे हैं, और ये मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा यहाँ पे, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। पर इसमें आप जब तक ये सीट नहीं हटाओगे तब तक किचन नहीं लगा, किचन नहीं लगा पाओगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि जैसे ये आपने बंद कर दिया, ये भूल गए हैं तो फिर से पूरा ये है ना। तो एक काम करते हैं, अभी निशा मैम के इस गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं, अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले पीछे वाली सीट पर निशा मैम के साथ बैठ जाते हैं। चले मैम, आइए आप, चलो पहले देखते हो कैसे जाओगे आप। इसको थोड़ा आगे करना होता है। हाँ करिए, देखो निशा मैम जगह बना रही हैं अंदर जाने के लिए। मैं करता हूँ ये यहाँ से, और ये पूरा ये यहाँ से आगे चला। चलिए मैंने आपके लिए खोल दिया। तो भैया इस सीट पर हम निशा मैम के साथ, अरे भाई साहब, कुछ टूट ना जाए, मुझे दिक्कत नहीं है अपना,
बट अगर मुझे ऐसे बैठना हो, गाड़ी ना चल रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी दिक्कत है कि सीट पीछे आएगी, तो मैं पीछे बैठना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कप होल्डर वगैरह लगवाया हुआ है आपने पूरा, क्या क्या चीजें ये पूरा अलग से करवाई है आपने? ये सब कराया है। ये सीट भी थोड़ी डिफरेंट टाइप की दिख रही है, ये आती नहीं है, सब पूरे कम्फर्टेबल नहीं थी, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट डलवा दिए। मतलब जो शौकीन लोग हैं वो कुछ भी करा देखिए, इसका मतलब रूप में ये सब नहीं आता यहाँ पे। अगर आपने थार देखा होगा तो सब नहीं आता, इन्होंने मतलब मॉडिफिकेशन के नाम पे सब कुछ चेंज करके रख दिया है। और यहाँ पर बैठना काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, मतलब बैठ रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कुशनिंग वाला आर्मरेस्ट, कुशनिंग वाला मिल जाता है आर्मरेस्ट। मुझे लगता है इस गाड़ी में तो बैठ सकता हूँ थोड़ा मोड़ा अगर बैठना होगा, पर दिक्कत ये होगी कि मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहता, तो जो बंदा बैठेगा ना तो उस पर मुझे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, वो मुझे थोड़ा खराब लगेगा। तो एक काम करते हैं, फ्रंट सीट पर चलते हैं, कुछ और सवाल आपसे करते हैं। जब हम चले पहले आप उतरोगे मैं उतरूं? पहले आप उतरिए। भाई साहब फंस गया। नहीं नहीं निकल आया। आई निशा मैम, एक तो आपकी हाइट भी ज्यादा है ना। हाँ, तो इसलिए तो मेरे लिए अच्छी नहीं है ना। हाँ, और ये थोड़ा सा अजीब भी है ये वाला, मुझे हाल में यही सबसे बुरा लगता है। और रुकिए रुकिए, मैं अपनी जगह बनाऊ ना, आप उधर से आइए, मैं इधर से बैठूंगा। ये हो गया पीछे, और अब मैं इस पे बैठता हूँ, और ये वो सीट है जहाँ पर मैं बैठना पसंद करूँगा, और मुझे ये सीट काफ़ी अच्छी लगती है जी। और यहाँ पर काफ़ी कुछ मैम ने किया हुआ है, और इन्होंने क्या किया है कि ये वाला थीम दिया हुआ है, मतलब हाँ। इस सीट को भी देखिए कौन सा कलर बोलते हैं, कलर में थोड़ा कमजोर कॉफी कलर ठीक है। तो यहाँ पर ये इसे थीम बनाया हुआ, काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा मजेदार लग रहा है। तो ये किसका, ये किसने दिमाग लगाया था मैम इसके लिए? ये हमने लगाया था। आपने लगाया था इसके? हाँ। लिए तो लोग पूछते हैं अभी, मुड़ के देखते हैं आपकी थार को? बिल्कुल देखते हैं, जब से टायर डले जब से ज्यादा देखते हैं, मतलब टायर ने पूरा इसका लुक चेंज किया है। तो अभी इसके इसको लेकर आपने कौन कौन से ट्रिप किए हैं और कहाँ कहाँ जाने का इरादा है इसको लेकर? अभी रिसेंटली हम कश्मीर या स्पीति जाने का इरादा है, बर्फ में। अच्छा, बर्फ में जाने का इरादा है। अगर अब मैं पूछूं कि जिमनी ना लेके आपने अच्छा किया, तो क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ? अब जो प्राइस हो गए हैं तो उसको लेके तो लगता है, मतलब पछतावा होता है। हाँ। तो बेसिकली क्या है कि जिमनी की जिमनी का प्लस पॉइंट है 5 डोर है, लेकिन प्राइस फिर से पहुंच गया हूं, डोंट वरी। प्राइस वो कुछ टाइम के लिए था, जिसको जो लकी लोग थे मेरे जैसे ना वही लेके आ पाए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर प्राइस पहुंच गया फिर ठीक है। हां फिर ठीक है ना। तो ये अपना थार लेकर बहुत सारी जिंदगी जी रही हैं, और उन्होंने काफी कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ, चीजें भी चल रही है, इस पर बहुत कुछ और आने वाला है, जैसे कि ऊपर टेंट लगवाएंगे, क्योंकि ये एडवेंचर करते रहते हैं और ये टेंट बनाते भी हैं, और टेंट ही अपना मतलब बहुत सारे आपका बिजनेस भी शायद टेंट वाला ही है ना गाड़ियों इंडिया में 500 प्लस हम सेल कर चुके हैं। अच्छा, 3 साल से। भाई साहब, मतलब सोचो अगर कोई गाड़ी पे अपना टेंट वेंट डालना चाहता है तो ये उसमें हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो एडवेंचर के शौकीन है ना उनके लिए गाड़ी वरदान साबित हुई है, और लोग इसे भगवान बोलते हैं। क्यों भगवान बोलते हैं, इनिशा मैम के शब्दों से भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी थार है और चाहते हो कि आप अपनी आवाज़ हमारे इस चैनल पर बुलंद करें, तो हमें तुरंत कमेंट करें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएं, हमारा इंस्टा हैंडल है NBT ऑटो। जब भी आप मुझसे जुड़ेंगे हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और आपके बहुत सारे उन जिज्ञासाओं को सामने लेके आएंगे सवाल के माध्यम से, जो आप भी यहाँ पर हमारे साथ आके बैठकर बात करना चाहते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करिए, इंतजार करें कमेंट बॉक्स।